तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईफोन 14 प्रो के बारे में। तो हम इसका आज लॉन्ग टर्म रिव्यू देंगे और इसकी जो बिग प्रॉब्लम है वो आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो आईफोन 14 प्रो है ये लॉन्च हुए इसे कुछ ही मंथ हुए हैं। तो इसमें जो आपको पहली इसकी प्रॉब्लम, इसमें आपको एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड मतलब SD कार्ड सपोर्ट करने का वो नहीं मिलता है। तो इसमें जो एंड्रॉयड बेटर है क्योंकि एंड्रॉयड में एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड सपोर्ट करने का मिलता है। तो इसमें जो आपको आप एप्पल के iOS वर्जन में एक्स्ट्रा जो ब्लूटूथ मतलब ऐप्स नहीं डाल सकते, किसी से मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकते, जो एंड्रॉयड में आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बिग प्रॉब्लम है इसकी। और इसकी एक और प्रॉब्लम है जो आप इसमें जो IP रेटिंग है वो तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो और मोबाइलों के अंदर आप इसे डीप वाटर के अंदर भी ले जा सकते हैं। मतलब ये जो ये इसी की जो तो प्रॉब्लम है, आप इसमें जो म्यूजिक वगैरह डाउनलोड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते जो एंड्रॉयड में आप कर सकते हैं ब्लूटूथ की मदद से। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी जो आईफोन में है। उसमें जो आप लेते हैं नए समय पर तो काफ़ी अच्छा लगता है और धीरे धीरे आपके मन से उतरने लगता है, जिसके कारण ये चलता तो मतलब फास्टली है, जो आपको पहले से कुछ परसेंट ही डाउन देखने मिलता है। और इसी जो मतलब सभी मोबाइलों की तो बैटरी डिक्रीज होती है, डिले चलती है, मतलब लूज होने लगती है, मतलब अच्छे कम चलने लगते हैं समय में। तो ये बात है, जो कैमरा क्वालिटी है वो भी वहीं रहती है, जो ये एंड्रॉयड वर्जन है तो इसमें तो आपके कैमरा क्वालिटी भी लो होने लगती है। तो ये काफ़ी बढ़िया, तो आईफोन का 14 प्रो में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती आपको, जो एंड्रॉयड में प्रॉब्लम काफ़ी मिस्टेक हैं। तो इसमें आपको नेटवर्क वगैरह नहीं देखने को मिलता प्रॉब्लम में, नेटवर्क भी काफ़ी बेस्ट चलता है। और जो आईफोन की एप्पल आईडी उसे कोई भी हैक नहीं कर सकता, जो एंड्रॉयड में तो आप हैकिंग अच्छे से हो जाती है। मतलब जो आईफोन है वो ब्लूटूथ को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आप उसे हैक नहीं कर सकते। जो आपका मोबाइल चुरा लेता, मतलब जो ढूंढ लेती है पुलिस वाली, जो एंड्रॉयड पर कोई इतना ध्यान नहीं देता खास कर। तो ये सभी अच्छी अच्छी मिस्टेक हैं जो काफ़ी बेटर लगती है आईफोन में। आईफोन की क्वालिटी और जो डिज़ाइन है, मतलब एप्पल लोगो है वो कटआउट, वो काफ़ी शानदार दिखने को मिलता है। तो ये तगड़ी डिज़ाइन के साथ जो इसकी डिस्प्ले है बेटर आती है, XDR डिस्प्ले आती है, उसमें आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने मिलती है, जो काफ़ी बढ़िया चलता है, सुपर चलता है, कोई भी आपको डेली लैग वगैरह नहीं देखने को मिलता, जो काफ़ी तगड़ी डिस्प्ले इसके अंदर आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये जो पैसे लेता है तो उस चीज़ से आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें भी देता है। तो ये कैमरे की बात करते हो, आप कैमरे में 4K 60 FPS पर शूट कर सकते हो, जो काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी आपको तगड़ी देखने को मिलती है। जो ये बड़े बड़े व्लॉगर हैं सौरभ जोशी वगैरह, ये आपको पता है आईफोन मोबाइल से ही शूट करते हैं, तो इसकी जो क्वालिटी काफ़ी बेटर निकल कर आती है। तो ये सभी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। और अभी बात कर लेते हैं, इसकी जो वर्जन है वो आपको काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाते हैं, जो आपको एंड्रॉयड में नहीं मिलते वो आपको इसके अंदर। तो मतलब पैसे लग रहे हैं तो आपको मसाला अच्छे से मिलेगा, मतलब आपको सामान पूरा जो एकदम क्लियर वगैरह मिलेगा, क्लियर मोबाइल आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें कोई भी ब्लूटूथ वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है, मतलब तो इसे खुद से ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये सब है। और इसमें जो एंड्रॉयड की बात करते हैं, एंड्रॉयड में आप फोटो खींचते हो कैमरे से, वो आप कुछ दिनों तक रखते हो तो वो अचानक से डिक्रेज होने लगती है, मतलब ख़राब हो जाती है उनकी क्वालिटी। और जो आईफोन में खींचती है उनकी क्वालिटी जब एकदम ही परफेक्ट रहती है, न ही ख़राब होती है, न ही कुछ होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जुड़ जाए ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिले। तब तक लीजिए।